शाम ढल चुकी थी और सूरज नारंगी आसमान को छोड़ धीरे धीरे क्षितिज के पीछे गायब हो रहा था। साथ ही अंधेरा पूरे वातावरण में फैलने लगा। मारू अब भी हैरान खड़ा होकर अपने आसपास देख रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके पीछे कौन है। उसने कुछ सोचकर अपने कदम तेज कर लिए। तेज चलते चलते उसकी सांसें उखड़ सी रही थी। जैसे वो थोड़ा आगे आया तो उसे लगा कि वो अब सेफ है। कुछ कदम और चलकर वो एक जगह रुकते हुए खुद से बोला, भगवान जाने कहा था, हमका तो लागत है कौन जंगली जानवर था। अंधेरा पाकर हम पर हमला भी कर सकता था। अच्छा हुआ हम वहां से निकल आए। सोचते हुए मारू एक बार फिर हल्के कदमों से चलने लगा। उसे लग रहा था जैसे कि वो सारी तकलीफों से बचकर वहां से निकल जाएगा, पर वो आने वाली बड़ी समस्या को देख नहीं पा रहा था। सुनसान अकेले रास्ते पर मारू ये सारे ख्याल अपने दिलो दिमाग में सोचते हुए जा रहा था। कभी वो वीर सिंह के बारे में सोचता तो कभी खूनी वधु के बारे में सोचता। काफी देर चलने के बाद जब उसे महसूस हुआ कि वो थक गया है तो वो सड़क किनारे थक कर एक बड़े से पेड़ के तने पर टिककर बैठ गया। अचानक ही आसपास के पेड़ों पर हवाएं तेज हो गई और सूखे पत्ते यहाँ वहां उड़ने लगे। साथ ही काले आसमान में चांद बादलों के बीच घिर चुका था और सारे तारे भी उन बादलों की चपेट में आ चुके थे, जिसके कारण आसपास फैला हल्का अंधेरा भी किसी खौफनाक अनुभव से कम नहीं था। मारू तेजी से उठ खड़ा हुआ और अपने आप से बात करते हुए बोला, अरे अचानक ये मौसम को क्या हुआ? और आसमान तो साफ था और तारे भी दिखाई दे रहे थे, फिर अचानक बादल। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक एक तेज हवा का झोंका सीधा मारू के चेहरे से आकर टकरा गया, जिसके साथ काफी सारी धूल और कुछ कुछ सूखे पत्ते भी थे। उस धूल और पत्तों के कारण मारू की आंखें बंद हो गई। जैसे ही मारू ने जल्दी से उन पत्तों को हटाया और अपनी आंखें खोली तो सामने खूनी वधु अर्पणा खड़ी हुई थी। ये देखते ही मारू की चीख निकल गई। उसका पूरा शरीर उन सूखे पत्तों की ही तरह थर थर कांप रहा था। वो उल्टे पैर तेजी से भागने लगा। तभी अर्पणा खूनी वधु तेज आवाज में हंसते हुए उसके पीछे उड़ने लगी और बोली, तुझे क्या लगता है तू भाग कर मुझसे दूर निकल सकता है, मुझसे बच सकता है? असंभव। ये कहते हुए खूनी वधु मारू के ठीक सामने चली आई। उससे बचने के लिए मारू ने दोबारा दूसरी दिशा में भागने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। उसी समय खूनी वधु उस मारू के चेहरे के सामने आ गई। खूनी वधु और उस रात का चांद दोनों अब मारू के ठीक सामने थे और दोनों ही बिल्कुल घातक नजर आ रहे थे। खूनी वधु अपनी दोहरी आवाज में चिल्लाते हुए बोली, तूने मुझे धोखा देने का प्रयत्न किस प्रकार किया? तुझे क्या लगा तुझे वो वीर सिंह बचा पाएगा? जल्दी बता, मेरा काम पूर्ण हुआ या नहीं? कहाँ है वो दुष्ट अजरनाथ? मारू को अजरनाथ का नाम सुनते ही एक पल के लिए वीर सिंह और उसकी मित्रता की याद आ गई। उसने सोचा वो सच नहीं बताएगा। यही सोचते हुए वो तुरंत लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, नहीं पता हमका, वो अजरनाथ नहीं मिला हमें। कहते हुए वो जमीन पर बैठा पीछे पीछे खिसक रहा था। उसकी बात सुनते खूनी वधु नाराज हो गई। वो चिल्लाते हुए बोली, नहीं पता तो फिर तू मर और फिर तेरा परिवार भी मरेगा। जब तू मेरे कार्यों को पूर्ण नहीं कर सका तो तुझे जीवित रखने से क्या लाभ? और जब तू ही नहीं रहेगा तो तेरा परिवार जी कर क्या करेगा? बेचारे घर के मुख्य सदस्य के मरने का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, इसीलिए मैं उन सबका भी अंत कर दूंगी। ये कहते हुए खूनी वधु जोर जोर से हंसने लगी। दूसरी ओर जब मारू के सामने अपने परिवार की बात आई तो मारू टूट गया। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, नहीं उन्हें कुछ मत करना, मैं बताता हूँ, पता है मुझे कि कहाँ है वो जन्नत। ये सुनकर खूनी वधु से जकड़ कर धक्का देते हुए बोली, जल्दी बता कहाँ छिपा है वो, बहुत सारे हिसाब चुकते करने हैं उससे मुझे। इसके बाद मारू ने बोलना शुरू किया,
और अजरनाथ के कल्याणी बनने से लेकर चेतन और वीर सिंह की तारक कलश की खोज तक सारी बातें खूनी वधू को बता दी। इसके बाद अचानक एक तेज आंधी आई और चारों ओर धूल और वही सूखे पत्ते उड़ने लगे। एक बार फिर मारू की आंखें बंद सी होने लगी और जब यह आंधी रुकी तो चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान साफ था और खूनी वधू जा चुकी थी। मारू गहरी सांस लेते हुए कुछ पल वहां बैठा रहा और फिर किसी तरह ये रात भी गुजर गई। वीर सिंह और काशी जी अब भी फूलपुर में अपने टूटे घर में थे। वहीं चेतन, चांदनी और मार्तंड जी कल्याणी के भक्तों वाले आश्रम स्थल में। जब सुबह सभी लोग एक साथ योजना बनाने के लिए बैठे तो सबसे पहले मार्तंड जी बोले, बच्चों आज हमें सारी योजना तैयार कर लेना है। वीर सिंह और काशी भी जल्दी ही पहुंचने वाले होंगे, उनके आते ही हमें अपनी योजना पर काम करना होगा। चांदनी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन चेतन अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। चांदनी और मार्तंड जी ने एक दूसरे को अनजानी नजरों से देखा तो चांदनी बिना कुछ सोचे उसे हल्के से छूकर उसका ध्यान वापस अपनी ओर लाने की कोशिश करते हुए बोली, क्या सोच रहे हो चेतन, काका कुछ कह रहे हैं। ये सुनकर चेतन बिना उन दोनों से नजरें मिलाए एक गहरी सोच के साथ बोला, काका की सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि इन सब योजनाओं की आवश्यकता ही नहीं है। चेतन की ये बात सुनते ही चांदनी और मार्तंड जी दोनों के मुंह से एक साथ निकला, मतलब। तब चेतन उठा और इस कमरे में लगी अजरनाथ की एक तस्वीर को देखते हुए बोला, मतलब ये है कि अजरनाथ कलश को अपने साथ लेकर जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अनुयायी हमेशा उसके साथ होते हैं। सबको उस कलश के बारे में बताना उसके लिए भी मुश्किल होगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कलश उसके आश्रम में है। बस किसी तरह मैं वहां घुस सकूं तो कलश ला सकता हूं और फिर हम तुरंत यहां से निकल सकते हैं। चेतन के इस विचार को सुन मार्तंड जी को थोड़ी भी खुशी नहीं हुई। वो तुरंत उसे टोकते हुए बोले, ये विचार काम नहीं करेगा, इसमें काफी रिस्क है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम जानते हो क्या होगा। अजरनाथ के लोगों के साथ साथ पूरा गांव, जो उसका परम भक्त है, हम सभी को जमीन में जिंदा दफन कर देगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल ही दो चेतन। ये सुनकर चेतन एक तरह की सोच में पड़ गया, फिर बड़बड़ाते हुए बोला, तो काका हम करें क्या फिर, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठने से भी क्या फायदा, आखिर हम यहाँ 3 दिन तक करेंगे क्या। तभी चांदनी धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, चेतन तुम अपने दोस्त से बात क्यों नहीं कर लेते, क्या पता कोई सुझाव मिल जाए। ये सुनते ही चेतन आंखें बड़ी करते हुए बोला, तुम्हारा मतलब कालदूत से। चेतन के इस सवाल पर चांदनी ने हाँ में सिर हिला दिया। दूसरी तरफ सुबह होते ही काशी जी और वीर सिंह एक बार फिर सुमेरपुर की ओर निकल गए थे। वीर सिंह जीप चला रहा था और काशी जी बेहद ही शांत अवस्था में बैठे हुए थे। एक तरह से जीप में सन्नाटा पसर गया था। वीर सिंह इस सन्नाटे को तोड़ते हुए बोला, पिताजी एक बात पूछूं, क्या आप मुझे सच बताएंगे। अचानक वीर सिंह द्वारा दागे गए सवाल से काशी जी का ध्यान टूट गया और वो हल्की सी हड़बड़ी से बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। तब वीर सिंह काशी जी से बिना नजरे मिलाए बोला, क्या वाकई हम माही को बचा पाएंगे और ये खेल आखिर कब तक चलेगा। वीर सिंह के सवाल को सुनकर काशी जी ने गर्दन फेर ली और खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोले, वीर सिंह मैं जानता हूँ मेरे उत्तर से तुम्हें बहुत आशा है, क्योंकि माही तुम्हारी बहन है, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। और सच ये है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है माही को बचा पाने की उम्मीदें भी कम होती जा रही है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम तो जानते हो कि हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो ईश्वर ही जाने उसकी क्या मर्जी है। ये कहते हुए काशी जी वीर सिंह से नजरें चुरा रहे थे, लेकिन वीर सिंह भी कुछ ना बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसे कुछ इसी तरह का जवाब मिलेगा। एक बार फिर जीप में खामोशी छा गई, लेकिन वीर सिंह एकाएक बोल पड़ा, अरे हाँ मैं इस बारे में कैसे भूल सकता हूँ। उसकी बात सुनते काशी जी अचानक चौंक गए और उसकी ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ, किस बारे में भूल गए। इस सवाल का जवाब वीर सिंह उत्साह के साथ देते हुए बोला,
मैंने सोचा था कि ये बात मैं आपको बता दूं, लेकिन फिर बता नहीं पाया। दरअसल बात यह है कि जिस आश्रम में अजनाब गया है, वहाँ का वैद्य मुझे देखकर मेरे मन की बात जान गया था। मैं नहीं जानता कैसे, पर जब मैं वहाँ से निकलने लगा तो उस वैद्य ने मुझसे कहा कि अपने पिता को कहना कि वो तुम्हारे दोस्त को अमावस्या की रात को काली दुनिया में भेजे, उस रात उसे ज्यादा समय मिलेगा। ये बात सुनकर काशी जी चौंक गए और हैरानी से उसे देखते हुए बोले, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस वैद्य को इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला? वो भी उसे, जो यहाँ हमसे कोसों दूर रहता है। वीर सिंह ने जीप के स्टीयरिंग पर हथेली मारते हुए कहा, वही तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन उसकी बात पर हमें अमल तो करके देखना चाहिए, शायद कोई बात बन जाए। जब वीर सिंह ने बात कही तो काशी जी के चेहरे का आश्चर्य दोबारा एक मायूसी में बदल गया और वो एक गहरी सांस लेते हुए बोले, इस सब का कोई असर नहीं पड़ेगा। असल में उस दुनिया का सच तो मैं काफी पहले ही समझ गया था, लेकिन फिर भी मैं सब संभालने की कोशिश में था। उस दुनिया में अधिक समय तक वही टिक सकता है जिसे या तो काले जादू के सहारे वहां भेजा गया हो, या मरने के उपरांत कोई आत्मा वहां फंस गई हो। तीसरा और आखिरी वही हो सकता है जब कोई निस्वार्थ मन लेकर यहां से वहां जाए। ये सारी तरकीबें उसी किताब में मैं पढ़ चुका हूँ जिससे हमने ये विधि जानी। ये सारी बात को सुनकर वीर सिंह ने कहा, तो फिर अब? काशी ने मायूसी भरी आवाज में कहा, मुझे भी नहीं पता वीर सिंह, असल में हमारा चेतन मन में अपना स्वार्थ लिए वहां जा रहा है और बस उसी स्वार्थ के कारण वो वहां टिक नहीं पाता, जिसके कारण हमेशा उसके खो जाने का खतरा रहता है और मुझे उन दोनों को वापस लाना पड़ता है। लेकिन ये सारी बातें करने का भी कोई अर्थ नहीं निकल पाया। अंततः वीर सिंह बोला, तो अब कैसे चेतन का स्वार्थ दूर करेंगे? क्योंकि माही के लिए उसका प्यार दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कैसे जाएगा वो वहां निस्वार्थ भाव से? काशी जी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। वीर सिंह भी चुपचाप जीप चलाता रहा। इन सारी समस्याओं के बीच उधर वैद जी के आश्रम में अजनाब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वैद उसकी आखिरी बार जांच करते हुए बोला, कल्याणी जी, अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, अपने भक्तों के बीच जाने के लिए अब आप तैयार हैं। जब अजरनाथ कई दिनों के बाद बिना किसी सहारे के खड़ा हुआ तो खुशी से उस अनुभव को महसूस करते हुए बोला, वैद्य जी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैं ये अनुभव तो भूल गया था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरा उपचार किया। जीवन में यदि कभी भी किसी भी अवसर पर मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर अजरनाथ धीमे धीमे आगे बढ़ा और उसके आसपास खड़े दो चार अनुयायियों को आदेश देते हुए बोला, जाओ जाकर पूरे गांव में एक खबर आम कर दो कि कल्याणी बाबा अपने आश्रम में लौट रहे हैं। अपने शब्दों को विराम देते हुए अजरनाथ ने एक बार दोबारा वैद्य की ओर हाथ जोड़ते हुए विदा ली और वैद्य ने भी हाथ जोड़ उसका अभिवादन किया। इस सब के बाद अजरनाथ अपने अनुयायियों के बीच चला गया। अजरनाथ के लौटने की खबर से अनजान वीर सिंह और काशी की यात्रा अब जल्द ही पूरी होने वाली थी, लेकिन उन दोनों के बीच चल रही गहन बातों के चलते वीर सिंह ने जीप की रफ्तार कुछ धीमी कर ली। कुछ सोचते हुए वीर सिंह बोला, पिताजी, अगर आप वास्तविक हल जानते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? कोई तो उपाय सुझाइए। ये कहते हुए वीर सिंह की आवाज में एक झुंझलाहट थी। काशी जी उसके स्वभाव को भांप गए और बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, मैं उपाय तो जानता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं ये उपाय चेतन को बताऊंगा तो वो कभी नहीं मानेगा। वो बहुत ही जिद्दी है और मुझे बस यही डर है कि चेतन की जिद के चलते कहीं हम माही को ना खो दे। अब तक वीर सिंह के सब्र का बांध टूट चुका था, उसने तेजी से ब्रेक लगा दिया और काशी जी की ओर मुड़ते हुए बोला, आप सीधे और साफ शब्दों में बता क्यों नहीं देते कि आखिर बात क्या है? ऐसा कौन सा तरीका है जिसे चेतन नहीं मानेगा? मुझे तो नहीं लगता कि चेतन उस काम को करने से मना करेगा जो उसके प्यार को वापस ला सकता है। आप बताइए तो मैं खुद उससे बात करूंगा, आप समझाइएगा उसे, हम सब समझाएंगे उसे। ये कहकर वीर सिंह काशी जी के चेहरे को देखने लगा। काशी जी ने उसकी ओर उदासी भरी नजरों से देखा और भारी आवाज में बोले, तुम, मैं, हम, कोई नहीं समझा पाएगा उसे, क्योंकि जो उपाय अब आखिरी में रह गया है उसे सुनकर शायद तुम्हारे पैरों तले की जमीन भी खिसक जाए, और वो उपाय यही है कि
हमें चेतन की शादी किसी और से करवा देनी चाहिए ताकि माही के लिए उसका स्वार्थ खत्म हो जाए। और इस समय मेरी नजरों में एकमात्र एक ही सही लड़की है और वो है चांदनी। ये बात सुनवीर सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई और वो स्तब्ध बैठा काशी जी को घूरता रहा। क्या चेतन शादी के लिए तैयार हो जाएगा या फिर कोई और तरीका माही को बचाने में कारगर सिद्ध होगा? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी।